नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएसके फर्नीचर में। मैं आपका दोस्त अश्विनी विश्वकर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोफ़ा का ढांचा कैसे ठोकें, प्लाईवुड का जो सोफ़ा होता है उसका ढांचा हम किस तरह से ठोकें। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप जो बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से सोफ़ा का ढांचा ठोक सकते हैं। तो ये सोफ़ा का पाया है, हम तीन सीटर का मतलब जो सोफ़ा होता है वो हम ठोकने वाले हैं। तो तीन सीटर सोफ़ा में चार पाया लगता है। तो अगर आपको पाया काटने का, इसका साइज जो है, ये कैसे काटा जाता है, इसके बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो जाके आप देख सकते हैं कि सोफ़ा का पाया कैसे काटा जाता है, उसका साइज़ क्या है और कितनी होनी चाहिए। तो ये हमने सोफ़ा का पाया काट लिया हुआ है, तो इसको अभी हम चल रहे हैं ठोकने। जो कि तीन सीटर का सोफ़ा है उसको हम ठोकने चल रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको पूरा बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पावा काटने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर हम 12 mm, ये हिस्सा जो है यहाँ पर हम 12 mm प्लाई लगाने वाले हैं। अगर आप 18 mm की प्लाई लगाते हैं तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से स्पेस छोड़ना है। तो हम 1/2 inch की प्लाई लगा रहे हैं और 4 inch का हमारा फॉर्म लग रहा है, तो हम यहाँ से 4.5 inch का स्पेस यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर 4.5 inch लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 2.5 inch का और लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें का सपोर्ट बनाए हुए हैं, यहाँ पर सपोर्ट लगता है, तो हम 2.5 inch का स्पेस और छोड़ देते हैं। तो ये हम 2.5 inch का स्पेस छोड़ दिए हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि निशान आपको इस तरफ से नहीं लगाना है, ये जो क्रॉस कटा हुआ है इस तरफ से आपको निशान लगाना है। तो हम यहाँ से ये निशान लगा लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यही निशान हमें सारे पावों में, जो चार पाया हमारा है, ये चार पाया है हमारा ये, तो चारों पाया में हमें इस तरह का निशान लगाना है। ये जो आप निशान देख रहे हैं, तो यही निशान हमें चारों पाया में उतारना है। तो हम निशान पहले उतार लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, और यहाँ से आपको एक सपोर्ट और लगाना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे हमने इसको 8 inch दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हम 7 inch, ये 7 inch का निशान लगाते हैं और 2.5 inch नीचे निशान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ भी मैं 2.5 inch का एक सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें दो निशान उतार लेना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये सोफ़ा के ढांचा ठोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, इसमें देखिए सपोर्ट कहाँ कहाँ लगता है, इसमें तीन सपोर्ट लगने वाला है, एक सपोर्ट यहाँ लगेगा, एक सपोर्ट यहाँ लगेगा और एक सपोर्ट यहाँ पर लगता है। तीन सपोर्ट हमें इसमें तैयार करना होता है। ये जो सपोर्ट तैयार होता है, ये जितना इसकी चौड़ाई छोड़ी जाती है उसके हिसाब से सपोर्ट तैयार होता है। यहाँ पर आप 2.5 inch का, 3 inch का, 2 inch का लगा सकते हैं, यहाँ भी आप 2.5 inch का, 3 inch का, 2 inch का लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम ये निशान टोटल पहले उतार लेते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर खांचा लगा लेना है, यहाँ पर खांचा आपको 1.5 inch प्लाई के बराबर लगाना है, ठीक है। यही सेम खांचा ऐसे आपको यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। अब आपको यहाँ से ये 1.5 inch का निशान लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका हाफ में खांचा मार देना है, इसमें यहाँ पर खांचा लगे, जैसे हमने इसको 8 inch का किया हुआ है, तो हम 4 inch का यहाँ पर खांचा लगा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने खांचा मार दिया हुआ है, ये खांचा लगा है। तो अब इस खांचा में जो पार्टियाँ लगेगी उसमें भी हाफ खांचा लगेगा, तो वो पार्टी हमने ऑलरेडी काटी हुई है।
तो दोस्तों सोफ़ा का ढांचा तैयार हो चुका है। ये 3 सीटर सोफ़ा है जो कि प्लाईवुड का हमने बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर अभी प्लाईवुड लगाना है। तो आप सब देख सकते हैं इसमें हमने 3 सपोर्ट जो आपको वीडियो में बताया था, 3 सपोर्ट हमने लगाया हुआ है, जो कि एक सपोर्ट ये आपको सामने दिख रहा है और एक सपोर्ट ये ऊपर आपको दिख रहा है और तीसरा सपोर्ट ये पीछे लगा हुआ है। तो तीनों सपोर्ट का हम आपको यूज बता देते हैं। ये ऊपर वाला जो ये सपोर्ट है, ये जो प्लाई ऊपर लगाई जाएगी वो पहला नंबर ये प्लाई ठोकी जाएगी और ये जो ऊपर का कपड़ा होता है पीछे से घुमा के इसी सपोर्ट में कसा जाता है। और ये वाला जो जो सपोर्ट है, ये पीछे वाला जो बैठने वाला सीट है, वो उसका कपड़ा खींच के इस सपोर्ट में कसा जाता है। तो ये 3 सपोर्ट आपको, ये ऊपर तो लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये 2 सपोर्ट भी आपको इस सपोर्ट की तरह, ये दोनों सपोर्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 सपोर्ट लगाना ना भूलें सोफ़ा में। तो आइए इसके ऊपर हम प्लाई ठोकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बैठने वाला जो सीट है इसके ऊपर हम प्लाई लगाने वाले हैं। इसकी ये चौड़ाई हमने 22 इंच किया हुआ है और ये 22 22 इंच का हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर प्लाई ठोक देते हैं। ये वाला प्लाई ठोकने, ये वाला जो टेक वाला प्लाई है इसको ठोकने चल रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम गिरा लेते हैं। तो दोस्तों ठोकने से पहले हमने इसमें फेविकोल लगा दिया हुआ है। फेविकोल आप ज़रूर यूज करें, क्योंकि फेविकोल यूज करने से इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। तो दोस्तों चल रहे हैं इसको अभी हम ठोकने। तो इसमें सबसे, इसको ठोकने से सबसे ज़रूरी बात ये याद रखना है आपको कि ये जो सपोर्ट इसमें लगा है, इसके लेबल में इस तरफ से आपको लेबल रखना है। बाकी इस तरफ अगर बढ़ेगा तो रंदा मार के साफ कर देते हैं। तो हम इधर से लेबल करके इसको हम ठोक देते हैं। ये स्पेस हमने 4.5 इंच का छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हमारा सोफ़ा तैयार हो चुका है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये 3 सीटर सोफ़ा तैयार किया गया है और ये 1 सीटर सोफ़ा तैयार किया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों इसकी जो हैंडल है अभी वही लगाना बाकी है। तो इसकी हैंडल कैसे लगाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे जाम किया जाएगा और कितनी साइज़ की होती है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो प्लीज़ यार दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। यार आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।